पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा है कि टीएमसी बंगाल में घुसपैठियों को बसा रही है और कांग्रेस आपकी संपत्ति ऐसे वोट बैंक को बांट देगी। पीएम ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के शहजादे विदेश से स्कैन मशीन लेकर आए हैं और वो आपकी संपत्ति वोट बैंक को बांट देंगे। तो एक तरफ देश भर में दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, दूसरी तरफ तमाम राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी पश्चिम बंगाल के मालदा में और जनसभा को संबोधित करते हुए कैसे विपक्ष पर प्रहार किया। टीएमसी सरकार बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लाकर बसाने का काम करती है। इन घुसपैठियों को आपकी जमीन खेत पर कब्जा करवाती है और कांग्रेस आपकी संपत्ति ऐसे वोट बैंक में बांटने की बात कर रही है। कांग्रेस के शहजादे विदेश से आई एक्सरे मशीन लाए हैं, वो पूरे देश में सबका एक्सरे कर देंगे। कांग्रेस का इरादा है कि जिसके पास जितना पैसा सोना चांदी होगा जमीन होगी सब पर कब्जा कर लिया जाएगा और फिर उसका एक हिस्सा ये लोग अपने वोट बैंक को दे देंगे। ये कांग्रेस ने घोषणा की है, लेकिन मजा देखिए टीएमसी वाले भी उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते हैं। टीएमसी के राज में बंगाल में एक ही चीज चलती है, हजारों करोड़ के स्कैम, शारदा चिटफंड स्कैम, रोज वैली चिटफंड स्कैम, पशु तस्करी घोटाला, नगर पालिका नियुक्ति घोटाला, राशन घोटाले, कोयला तस्करी घोटाला, घोटाले टीएमसी करती है और भुगतान ये बंगाल के जनता को पड़ता है। ऐसा कोई काम नहीं है जो बंगाल में बिना कट कमीशन के होता हो। इतनी बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए हैं, मुझे विश्वास है पहले चरण में टीएमसी कांग्रेस जैसे जो दल जो फर्स्ट राउंड हुआ ना, पहले चरण में जो दल पस्त हो गए थे, अब आज दूसरे चरण में ध्वस्त हो जाएंगे। जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी और रविंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए, सीधा मैं उनका रुख करूंगी। रविंद्र, मैं आपके पास आ रही हूं। पश्चिम बंगाल की जो चुनावी जंग है वो जाहिर तौर पर आसान नहीं है और घुसपैठियों का मुद्दा लगातार प्रधानमंत्री और बीजेपी के तमाम नेता उठा रहे हैं, टीएमसी को कितनी चोट पहुंच सकती है इन आरोपों से? देखिए, बीजेपी का जो अपना 370 का जो टारगेट रखा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसमें बड़ा हिस्सा एक पश्चिम बंगाल से भी है। पार्टी को उम्मीद है कि वहाँ पर 25 से 30 तक सीटें जीत सकते हैं हम लोग, और इसलिए टीएमसी पर अटैक किया जा रहा है और अपीजमेंट की बात कही जा रही है वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, और उसको कहीं ना कहीं जोड़ दिया है उन्होंने कांग्रेस के अपीजमेंट से, और ये साफ तौर पर कहा है कि ये दोनों पार्टियों का गठबंधन अगर हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ तुष्टिकरण को लेकर, क्योंकि टीएमसी भी घुसपैठिया ही नहीं, मुस्लिम जो हैं घुसपैठिए उनको बसाती है, वो जमीन हड़प लेते हैं या उनको जमीन दे देती है, और कांग्रेस भी अपने मैनिफेस्टो में कह रहा है कि एक्सरे करके हम पूरे सर्वे कराएंगे और आपके संपत्ति को घुसपैठिया यानी मुस्लिम को दे देंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तीर से दो निशाना किया है कि एक ममता बनर्जी पर भी अटैक और दूसरे कांग्रेस को पर भी, और यह साफ कहा कि जो टीएमसी कर रही है उससे न बंगाल का भला होने वाला है न हिंदुओं का भला होने वाला, तो जो टारगेट है पश्चिम बंगाल से 32 सीटों का उस टारगेट के देखते हुए प्रधानमंत्री लगातार अटैक कर रहे हैं टीएमसी पर, और आने वाले दिनों में यह अटैक और बढ़ता ही जाएगा। बिल्कुल रवि, मैं आपके पास भी आना चाहूंगी। एक बार फिर से राहुल गांधी पर इशारों में प्रधानमंत्री मोदी ने हमला बोला और कहा कि शहजादे विदेश से स्कैन मशीन लेकर आए हैं।
बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए राजनीति यही होती है, राजनीति में जब परसेप्शन बनाने की कोशिश की जाती है और उसको प्रोपेगेंडा के जरिए फैलाया जाता है। तो प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि चाहे बंगाल हो, असम हो, केरल हो, जहां मैं खड़ा हूं वायनाड में, राहुल गांधी की कंस्टिट्यूंसी है, जहां पे मुस्लिम वोटर कहीं ना कहीं 30% से ज़्यादा है, जिन सीटों जिन इलाके में 30% से ज़्यादा वोटर है वहां बीजेपी के लिए मुश्किल होती है। तो वैसे में अगर मुस्लिम वर्सेस हिंदू हो जाए तो बीजेपी को फायदा। असम में देखिए, असम में 35% के आसपास मुस्लिम्स हैं, लेकिन बीजेपी ने वहां पोलराइज किया और पोलराइजेशन का फायदा हुआ, कहीं ना कहीं वहां बीजेपी की सरकार बनी। तो अगर बंगाल में भी अगर हिंदू और मुसलमान पोलराइज नहीं होता है तो बीजेपी का फायदा नहीं हो पाएगा। अगर वोटर 30% के आसपास मुसलमान भी उसको मिल जाए, महिला भी मिल जाए और हिंदू वोटर में भी डिवीजन हो जाए, तब उनके लिए कोई जमीन नहीं बचती है। तो ऐसी स्थिति में इस तरह के बयान भी है, और उनका जैसे रविंदर ने कहा ये पॉलिसी है बीजेपी की, बीजेपी घुसपैठियों के खिलाफ आज से नहीं लगातार से बोलती रही है। तो एक पॉलिसी के तहत भी और एक एजेंडे के तहत भी इनको अटैक किया जा रहा है, कांग्रेस को और टीएमसी को, जो मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति करने का जिन पर आरोप लगता है, जिसके जरिए हिंदुओं को कंसोलिडेट किया जाए। वोट में अगर हिंदू कंसोलिडेट नहीं होता है तो बंगाल जितना आपके लिए मुश्किल है, असम जितना आपके लिए मुश्किल है, केरल जितना आपके लिए मुश्किल है, तमाम उन राज्यों में जहां मुस्लिम पॉपुलेशन 30% से ज्यादा है, बिल्कुल बीजेपी अपनी तमाम चुनौतियों को समझ रही है और उसी तरह से विपक्ष पर प्रहार भी किया जा रहा है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। जी न्यूज़।